दिल्ली में कल होने वाली कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न केवल राजस्थान के सभी विधायकों को निर्देश दिया है बल्कि इंतजामों की मॉनिटरिंग के लिए वो खुद दिल्ली में मौजूद हैं। राजस्थान में राजनीतिक विषयों, मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने वाले मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के लिए दिल्ली की रैली की परफॉर्मेंस बेहद महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कल होने वाली कांग्रेस की भारत बचाओ रैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कई मंत्री और पीसीसी अधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजस्थान से 50,000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अकेले जयपुर जिले से 10,000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्रियों को फोन कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 500 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में आंकड़ा 50,000 से बढ़कर 1,00,000 होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मुख्य सचेतक महेश जोशी, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और पुखराज पराशर को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रैली में तो लाखों लोग आएंगे और बहुत शानदार रैली होगी। जितनी समस्या देखकर हमने चैलेंज के रूप में सामने आई है उसके ऊपर उस दिन आह्वान किया जाएगा जनता को। सोनिया गांधी जी ने सोच समझ करके और राहुल गांधी जी ने राइट टाइम पर आज डिसीजन लिया है और नाम दिया भारत बचाओ रैली। आप समझ सकते हो कि भारत बचाओ का मतलब क्या होता है। दिल्ली में राजस्थान की भागीदारी सबसे ज्यादा हो सके इसके लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो प्रदेश के सभी विधायकों, मंत्री और पीसीसी पदाधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। दिल्ली में जो आंदोलन और एक रैली हम लोग कर रहे हैं पूरे प्रदेश में हुआ, पूरे देश में हुआ, लेकिन देश की राजधानी में नई दिल्ली में एक ललकार हम देंगे। पब्लिक की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाएगी और राजस्थान से जो पार्टिसिपेशन अपेक्षित है एआईसीसी ने नई दिल्ली में हमसे चर्चा की थी और हमने उनको आश्वासित किया था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी राज्य से अगर कार्यकर्ता जनता जाएगी तो राजस्थान से जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बात साफ कर चुके हैं कि दिल्ली की रैली उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त में जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे और मंत्रिमंडल के विस्तार होंगे उसमें मंत्री, विधायक और नेताओं साथ ही कार्यकर्ताओं की इस रैली को लेकर सक्रियता बेहद मायने रखेगी। सुशांत पारी, जी मीडिया, जयपुर।